कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के वीर जवानों को शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। सीएम सैनिकों ने अपना सर्वोच्च निछावर किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। हमारे देश की एक एक इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। हमें उन पर गर्व है। हमारी सेना ने दिखा दिया कि भारत माता की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों को प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो थे जिन्होंने हमारे देश की एक एक इंच जमीन दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। हमें उन पर गर्व है। माननीय अटल जी भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। हमारी सेनाओं ने ये दिखा दिया कि भारत माता की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। भारत अब महाशक्ति है। लेकिन हम सदैव प्रणाम करते हैं अपने वीर जवानों को, थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना या हमारी जल सेना हो, तीनों सेनाएं देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। हमें अपने जवानों पर, अपनी सेनाओं पर गर्व है।